चैप्टर का नाम क्या है आपका? टेंडर। टेंडर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्या क्या चीजें होती है टेंडर में। अगर मान लीजिए टेंडर बनाया है मैंने, तो इस टेंडर के अंदर तुमने बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा, क्या क्या। जैसे मान लीजिए इसका नाम डेटिंग करते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी जो है बेटा क्या कहलाएगा मुझे ये बताओ। इसे बोलेंगे साइड्स। हाँ वेरी गुड। भुजा क्या बोलोगे इसे? भुजा या भुजा है, आर्म्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा ये जो दो भुजाओं के बीच में होता है उसे क्या बोलोगे? ये वाला एरिया क्या कहलाएगा बताओ? एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एंगल कहलाएगा, यानी कोण, ठीक है। और थर्ड ये जो पॉइंट है ए बी सी, जहाँ पे दोनों जो साइड है वो मीट कर रहा है, क्या बोलोगे? इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, है ना। वर्टेक्स मतलब सिर्स। क्या बोलते हैं? आई बात समझ नहीं आई। तो ये मैंने आपको बताया ट्रायंगल का सर बताया, और ट्रायंगल से हम प्रॉपर्टी आपको बताएगा तो दोनों के तीनों का कितना होता है? 180 होता है ना। और जो आपके ट्रायंगल भी होते हैं दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होता है? एक होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, और एक कौन सा होता है? आइसोसेलस, है ना, आइसोसेलस। यानी समबाहु बोलोगे इसे हिंदी में, क्या बोलोगे? समबाहु और एक समद्विबाहु। समद्विबाहु समबाहु का मतलब इक्विलेटरल का मतलब जिसकी तीनों साइडें बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसकी तीनों साइडें बराबर होगी इक्विलेटरल कहलाएगा, जिसकी दो साइडें बराबर होगी उसे आइसोसेलस बोलोगे, समद्विबाहु। कितनी बार क्लियर है? किसी कोई डाउट है नहीं है ना। देखो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, you are familiar with the triangles and many of the properties from your earlier classes in class 9. You have studied congruence of the triangles in details because the two figures are said to be congruent. कह रहा भाई आपने 9th class में दो चीजों को congruent दिखाया था। congruent का मतलब बराबर दिखाया होगा आपने ना, इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा था, साइड एस 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 दिखा था, साइड बाय साइड, साइड साइड साइड, ऐसे एस दिखा था, जिसमें हम एक एंगल लेते दो साइड ले थे, एक आर एच एस दिखा रहे थे बेटा 90 डिग्री वाला, और एक ए एस यानी दो एंगल और एक साइड ले थे। इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे 9th क्लास और ऑलरेडी हमने दो चीजों को सिमिलर कलर से दिखाया था, सीपीसीटी। हाँ बस सीपीसीटी के थ्रू, है ना। क्या कह रहा है लेकिन जरूरी नहीं इसकी साइज क्या होगी, सेम हो सकती है, सेम सेम रहने वाला है, लेकिन इसकी साइज बड़ी या छोटी हो सकती है। टू फिगर्स हैव द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। आप ध्यान रखना इस श्लोक में क्या बोल रहा है, दो ऐसी चित्र, दो ऐसी पिक्चर बेटा विद हैविंग द सेम शेप, है ना। जैसे मान लो बेटा दो इमेज में कह रहा भाई ये सेम शेप तो सेम है बेटा, लेकिन इसकी जो साइज In a particular we shall discuss the similarity of the triangle and apply this knowledge in the given simple proof of the Pythagoras theorem learned earlier. Can you guess how the height of mountain or distance of the sun long distance object have been found out? Do you
थिंक दिस हैव मतलब पहले आपने मतलब कैसे आपने माउंट मान लीजिए माउंटेन की ऊंचाई है ये क्या भाई पहले आपको उसका माउंटेन कैसे ऊंचाई आपने नापी होगी है ना क्या चीज कैसे मालूम क्या माउंटेन की मतलब ऊंचाई को माप सकते हो all these heights and the distance have been found out using the idea of indirect measurement which is based on the principle of similarity of figure kya ye kya hai height ki value se bhi is ki to uske dependent hai principle of similarity matlab kitne mein kaisa hai uske same kaise se size kaise hai to uske base pe kya karenge bhai is chapter mein padhne wale ki kis tarike se si height nikalogi wo image ko similar hai ya dissimilar hai तो सबसे पहला आगे था सिमिलर फिगर सिमिलर फिगर जिसे कहोगे सिमिलर फिगर में समरूप आकृति है क्या बोलोगे से समरूप आकृति है समरूप आकृति मतलब दिखने में तो क्या बेटा सेम सेम साइज अलग हो सकती है पर दिखने में तो बेटा सेम है इनमें से बेटा वो सिमिलर फिगर है राइट ना तो अगर इन द क्लास 9 यू हैव सीन दैट ऑल सर्कल विद द सेम रेडियस आर कॉम्प्लीट हमने अगर 9 क्लास में देखा था भाई अगर ये सेम रेडियस है ना यू हैव सीन द ऑल सर्कल विद द सेम रेडियस अगर मान लो रेडियस सेम है तो वो सारे क्या होंगे कॉम्प्लीट है बस में ऑल स्क्वायर्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉम्प्लीट अगर हमने देखा भाई अगर मान लो कोई स्क्वायर है दो और वो सेम है तो ये क्या होंगे कॉम्प्लीट यानी बराबर है ठीक है ना इसके अलावा सेम साइड लेंथ आर कॉम्प्लीट अगर मान लो ट्रायंगल की बेटा सेम लेंथ का तो भी क्या होगा कॉम्प्लीट हो गया हमको सारी ये थी ना ये सर्कल कैसी है कॉम्प्लीट है दोनों ऐसे भी जो स्क्वायर है वो भी क्या बेटा बस कॉम्प्लीट है सिमिलर है वो भी कॉम्प्लीट है कॉम्प्लीट मतलब बराबर है तो यहाँ पे वही चीज मतलब क्या मतलब कि भाई सारे क्या मिला सेम सेम सिम के सेम है लेकिन साइज क्या डिफरेंट है और ये क्या कहलाएंगे सिमिलर इमेज कहलाएंगे आगे देखिए कुछ और इमेज दिया हुआ है कि कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर कैन बी सिमिलर मतलब क्या एक स्क्वायर और जो एक है क्या सर्कल इक्वल हो सकते हैं क्या सिमिलर हो सकते हैं नहीं बताओ नहीं ये मेरी सर्कल है और एक स्क्वायर है क्या ये सिमिलर हो सकते हैं नहीं हो सकते है ना ये होगा तो कह रहा है कैन अ ट्रायंगल और स्क्वायर कैन बी सिमिलर क्या ट्रायंगल और कोई स्क्वायर सिमिलर हो सकता है ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर क्या सिमिलर हो सकता है नहीं हो सकता सर फेस सेम होनी चाहिए साइड में सब सेम हो अभी क्या करेगा सिमिलर है तो यहां कह रहा है इवेंचुअली दीस फिगर्स आर नॉट सिमिलर तो ऐसे ही यहां पे जो फिगर दिया है ट्रेपेजियम का वो क्या बेटा सिमिलर नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा ना इसी बेस पर करने वाला कौन सा सिमिलर है कौन सा सिमिलर नहीं है ठीक है अब लोग कह रहे हैं कैन यू से दैट अबाउट द टू क्वाड्रिलेटरल के बीच हमने क्लास में ये बेस दिखाया था उसकी ना प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी नहीं है पेज पर तुम्हारा है साइज का डिफरेंस है थोड़ा सी होगा यहां पे बस डाई का वाला डाई का आपको जी में डाई डाई में प्रिंटिंग मशीन जो होती है उसके बारे में बता कि एबीसीडी मान के ऊपर प्रिंट नीचे का प्रिंट है उसके ऊपर एक एबीसीडी है उसके नीचे सेम इमेज है एबीसीडी ये ना डाई डाई मशीन है ये तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक तो बेटा इसके एंगल इक्वल होने चाहिए जैसे कि ए था तो ए डैश इक्वल होना चाहिए, B
थीटा तो पी की इक्वल है, एंगल से चेंज कर लीजिए, साथ में जिसकी साइड है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बॉडी लेटरल्स की दो कंडीशन है, एक बड़ा पहले एंगल बराबर होना चाहिए सबके, और दूसरा क्या बताया था इसके साइड से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम रेशियो होनी चाहिए उसके, तब क्या पता चलेगा सिंगल कलेगा अथवा सिंगल नहीं कलाएगा। है ना, चीज ये लिखा हुआ है यहाँ पे, this is again and this is that two polygons of the same number of side, the same number of side hai, are similar. If everybody is similar ka lega, jab kya hoga equal ho. When all corresponding are equal, equal to jab angle equal hoge, aur iske saath saath the corresponding side are in the same ratio. Yani uski ratio ya sides ki, wo bhi kaise bhi chota hai, equal hi hai cheez, wo hi mil na. Ye yahan ye bina mil raha hai, wo ye ki hai, aur ye ki hai. तो एंगल मान लो 90 डिग्री तो है, एंगल तो सेम है इनका, लेकिन जो इसकी साइड है ना वो भी कैसे इक्वल ही होनी चाहिए, तो रेशियो भी क्या है 1 बाय 1 ही आएगा सबका, तब क्या कहेगा सिंगल कहेगा तो सिंगल नहीं कहेगा। अब इसके बेस पे जो तुम्हारी इमेज है, अब बताओ मुझे ये सिंगल है कि नहीं है, देखो अगर मान लो 2.5, 5 का आधा नंबर 2.5 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला देखो 2.4 का करोगे ना तो 4.8 आ जाएगा, ये ठीक है। और 2.1 का करोगे तो 4.2 आ जाएगा, ये ठीक का आ रहा है इसका, ये सिंगल का आएगा है ना, ये सिंगल का आएगा, एंगल इक्वल है और इसके जो साइड है प्रोपोर्शनल भी है तो इक्वल का आएगा है ना। नेक्स्ट वाले देखो, इसका बताओ चाहिए इसका भी है, ये सिंगल है, सिंगल नहीं है। तो क्या बोला, दो कंडीशन है पॉलीगन्स को इक्वल बनाने के, एक तो उसके एंगल इक्वल होने चाहिए, इसके अलावा कॉरस्पोंडिंग जो साइड है उसका प्रोपोर्शनल कैसा होना चाहिए, इसको इक्वल होना चाहिए, वो सिंगल कहलाया। ये दिया हो गया ना, अब ये बताओ मुझे ये वाला सिंगल है कि नहीं है, सर है, देखो जरा सर है, है ये वाला बताओ कैसे हो गया, इक्वल है, या तो बेटा एक दो साइड एक एंगल चाहिए है ना, या तो बेटा एक एंगल और दो साइड चाहिए आरएचएस से कोट करने के लिए, तो क्या इससे कोई एंगल साइड दिखेगा आपको, तो ये सिमिलर ही हो सकता है, कॉन्वेक्स नहीं हो सकता ये ना, तो पहले काम से क्या सिमिलर। नेक्स्ट बताओ, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्वेक्स, बात हो गया, ये तो बता दे मुझे, पहली प्रॉपर्टी बताओ, दो जैसे मैंने स्क्वायर दिया 1 1 1, ये जैसे 20 नंबर आ गया, अब मैं बोलूं समान तो हमने तो सेम ही बोली ना, 20 नंबर आए अच्छा लगता है, बोलो हां सिमिलर क्या लगा है, सबसे पहले प्रॉपर्टी सिमिलर क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, सिमिलर ही क्या लगा है, ये ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, टू स्क्वायर जितने भी होंगे सिमिलर ही क्या लगेंगे, राइट ना। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट थर्ड, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, हाइपोटेन्यूज या इक्विलेटरल, कौन सा ट्रायंगल होगा, ये तो होगा, लेकिन आज के तो एक अलग अलग हो जाएगा,
मुझे समझ में आया। आज तो जैसे क्या एक साइड अलग हो जाएगी बेटा, जैसे इसका मैंने 1 1 2 2 लिया, इसका 1 1 लिया तो इक्विलेटरल लाइक करो, अगर मैंने बताया तो आपको स्टैंडिंग मिली, तो ऑप्शन इक्विलेटरल से होगा। अब बताओ टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या क्या है पहले क्या आएगा? इक्वल होना चाहिए और उसकी रेशियो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, है ना। तो पहले लेना इक्वल एक प्रोपोर्शन आ जाएगा उसमें। मैडम ये है आप देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में सेकंड है, गिव्स टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। आपको क्या करना है बेटा, दो अलग अलग तरीके के पेयर बना के इमेज बनानी है, पहला सिमिलर इमेज। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दो, है ना, एक सिमिलर है और जो इस बदलना दो सिमिलर है, सबकी साइड इक्वल ले लेना, क्लियर हो गया ये बात। नेक्स्ट नॉन सिंगल फिगर बनानी है, तो बता नॉन सिंगल में क्या क्या बनाऊं? सर्कल और स्क्वायर ना, क्या बना दो? सर्कल और स्क्वायर, सर्कल बना दो, सर्कल और स्क्वायर। एक मान लेते हैं क्या पीडीए बना लेते हैं, ऐसा बना पीडीए बना दिया, चार साइड है ना, एक बेटा स्क्वायर बना दिया, ये सिमिलर हो गए। ऐसे ही बेटा आपको ट्रायंगल बना देना और एक रेक्टेंगल बना देना, मतलब दोनों अलग अलग इमेज बनानी है, अपनी इमेज ले सकते हो, एक ट्रायंगल सर्कल ले सकते हो, क्योंकि जिस सिमिलर ही अलाइनमेंट है ना, पेयर जो अलग अलग हो बना लो किसी साइड में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, तेरा स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिंगुलर और नॉट, बता बता ये सिंगुलर है कि नहीं है। सिंगुलर है, जल्दी ऊपर ट्रेन जल्दी देखो, सिंगुलर है, टाइम पे चलोगे बता देना इसे, सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर है ना, पकड़ी लगा लेते बेटा वो एंगल सब पूरे ठीक हो गए। प्रोपोर्शनल वाले की एंगल बेटा इक्वल है और साथ में इसको साइड हो बेटा क्या प्रोपोर्शनल है, रेशियो क्या सब इक्वल है, आपका एक्स एज होगा